इस समय मध्य प्रदेश में तेजी से हेलमेट चेकिंग को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है और वहीं सागर जिले के रहली थाना अंतर्गत लगाई गई हेलमेट चेकिंग के दौरान एक अजब गजब मामला सामने आया। सागर जिले में इस समय हर चौराहे पर हर थाना चौकी के अंतर्गत हेलमेट लगाने को लेकर एक अभियान चल रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन पूरी ताकत से इस मुहिम में लगा है। रैली में जब अस्पताल तिगड्डा पर पुलिस द्वारा हेलमेट की चेकिंग लगाई गई तो एक व्यक्ति द्वारा रैली में स्थित टिकेटोरिया मंदिर के दर्शन कर लौट साइकिल चलाता हुआ मिला, जो कि सर में हेलमेट लगाया हुआ था। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वाहन चेकिंग के दौरान देखा कि एक जो व्यक्ति है साइकिल पर हेलमेट लगाए हुए जा रहा है, जिसे जाते हुए देखकर बुलाया और जिसकी पुलिस स्टाफ द्वारा प्रशंसा भी बहुत की गई। देखने में बहुत अजीब अजीब मामला था सर, लोगों को संदिग्ध थी। बिल्कुल, लोगों को इसमें ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति साइकिल जिसमें बहुत अधिक से अधिक 30 या 40 की रफ्तार से कोई चला सकता है, उस पर अगर एक व्यक्ति हेलमेट लगा सकता है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जो अपनी गाड़ी 110-120 घंटे की स्पीड पर चलती है, उस पर तो हर व्यक्ति को हेलमेट लगाना ही चाहिए। इसे देखकर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जागरूक है।